Hello students, welcome to Shishya Gram, a channel meant for innovating young minds. Financial management part 5th ke is video mein hum padhne ja rahe hain dividend decisions ka concept, usse related kuch case studies and MCQs. My name is Jyoti Gupta. Let's start the lesson. So, hum padh chuke hain financial decisions teen tarah ke hote hain. Investment decisions, financing decisions and dividend decision. So, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे व्हाट आर डिविडेंड डिसीजंस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टर्म सरप्लस प्रॉफिट। ठीक है, इस सरप्लस प्रॉफिट का करना क्या है, यही होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो सबसे पहले हम समझेंगे सरप्लस प्रॉफिट है क्या चीज। सी, कंपनी मेड अ प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट से उनको क्या करना है, उनको इंटरेस्ट पे ऑफ करना है, इंटरेस्ट पे करना है ऑन द डेब्ट दे हैव टेकन। ठीक है, लोन को रीपे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। ये सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद अब कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा तो दैट इज नोन एज सरप्लस प्रॉफिट। अब जो लास्ट में प्रॉफिट बचा, जो हमारा सरप्लस प्रॉफिट है, एक्सेस प्रॉफिट है, उस पर किसका हक हो जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। दे आर द लास्ट वंस टू बी पेड द डिविडेंड। ठीक है, तो और जब डिविडेंड में से कुछ हिस्सा हम कम करके कुछ पैसे बचाते हैं टू री इन्वेस्ट इन द बिजनेस, दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो भाई अब ये प्रॉफिट में से कितना पैसा हम एज डिविडेंड दें और कितना बचा लें एज रिटेन्ड अर्निंग, तो यही है डिविडेंड डिसीजन। लेट्स सी द डेफिनेशन। डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट पार्ट ऑफ द सरप्लस प्रॉफिट शुड बी गिवन एज डिविडेंड एंड व्हाट पार्ट शुड बी केप्ट बैक एज रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा हम डिविडेंड के तौर पे रख लें, ज़्यादा रखें, कम रखें या बिल्कुल भी ना दें, और रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में हम कितना रखें अपनी कंपनी में। सो दैट डिसीजन इज नोन एज डिविडेंड डिसीजन। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट फैक्टर इज अर्निंग। अर्निंग मीन्स कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, हाई प्रॉफिट्स हैं, तो उसको क्या देना चाहिए, हाई डिविडेंड्स। ओके, अगर अच्छे प्रॉफिट्स हैं तो अच्छा डिविडेंड दो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अब स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का क्या मतलब हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का मतलब है कि ईयर आफ्टर ईयर आपको लगातार प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, साल दर साल आपको बराबर अर्निंग आ रही है। ऐसा नहीं कि हम कभी प्रॉफिट कमा रहे हैं और फिर कभी एकदम लॉस में चले जा रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी द सिचुएशन। यहाँ पे क्या होना है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स मीन्स हमारे पास बराबर हर साल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो जब स्टेबल है हमारी अर्निंग तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू गिव मोर डिविडेंड्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। अभी हमने क्या पढ़ा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अब क्या है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। तो ये क्या है, सी, स्टेबल डिविडेंड्स इंक्रीज द गुडविल ऑफ द कंपनी एंड कीप्स द शेयर होल्डर्स सेटिस्फाइड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स का मतलब हो जाता है रेगुलर डिविडेंड्स। व्हाट इज द मीनिंग, रेगुलर डिविडेंड्स। तो अगर जो भी कंपनी रेगुलर डिविडेंड्स देती है तो उसका क्या होता है, कंपनी में मार्केट में रेपुटेशन अच्छा होता है और शेयर होल्डर्स भी उनसे खुश रहते हैं कि भाई हमने इन्वेस्ट किया है तो हमें बराबर वहां से अर्निंग आ रही है, इसीलिए तो इन्वेस्ट किया। ओके, सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई नॉट टू चेंज द डिविडेंड एज सून एज अ स्मॉल चेंज इन द प्रॉफिट अकर्स। तो कोशिश क्या करनी चाहिए फाइनेंस मैनेजर को कि अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे हुआ है तो उससे हमको तुरंत से डिविडेंड का अमाउंट चेंज नहीं करना है। ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर साल हम जितना डिविडेंड देते आए हैं उतना ही देते रहें। नेक्स्ट फैक्टर इज कैश फ्लो पोजीशन। ओके, सो अगर कंपनी में अवेलेबिलिटी ऑफ कैश अच्छी है, ठीक है, अगर उनके पास सफिशियंट अमाउंट में कैश है तो वो एक अच्छे पोजीशन में होते हैं डिविडेंड्स पे कर पाने के। सो गुड कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी
is a sign of better capacity to pay dividends. Next factor is growth opportunities. Growth opportunities में क्या हो गया कि अगर कंपनी के प्लान्स हैं, ग्रोथ प्लान्स हैं कि भाई हमें अब बिजनेस को और आगे बढ़ाना है, और बड़ा करना है, और एक्सपैंड करना है, और ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने हैं, ठीक है, और उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं, तो नाउ व्हाट डू दे नीड, दे नीड मनी, राइट। तो अब ये पैसा कैसे ये कलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हम क्या करेंगे, हम डिविडेंड को कम कर सकते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस हैं एंड प्लान्स हैं, तो फिर दे कैन कीप मोर ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स और कम कर सकते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। तो जब भी हम ये डिसीजन लेने जा रहे हो, डिविडेंड डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, ठीक है, उनको क्या रेगुलर इनकम चाहिए, या फिर दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर डिविडेंड्स फॉर ग्रेटर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसके लिए वो अपना आज का डिविडेंड सेक्रीफाइस करने को तैयार है कि नहीं। सो रिटायर्ड एंड मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स, अब ये अगर कंपनी में इस तरह के शेयर होल्डर्स हैं, ओके, तो ये क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं किस चीज पे, डिविडेंड पे। तो जब डिविडेंड पे उनकी डिपेंडेंसी बनती है, तो डेफिनेटली दे प्रेफर रेगुलर डिविडेंड्स, उनको रेगुलर डिविडेंड्स ज्यादा चाहिए होता है, रिटेन अर्निंग्स में उनको उतनी दिलचस्पी नहीं होती है। देन यंग एंड रिच शेयर होल्डर्स, अगर हमारे पास यंग एंड रिच शेयर होल्डर्स है, तो ये कैसे होते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं होते हमारे डिविडेंड पे, एंड दे आर रेडी टू टेक द रिस्क, उनको रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनको क्या चाहिए, उनको फ्यूचर में ज़्यादा अर्निंग्स चाहिए। अगर हम उनसे कहें कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, तो वो अपना आज का डिविडेंड सैक्रिफाइस करने को रेडी हो जाते हैं। ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम डिविडेंड्स को कम करके रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ाकर री इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में। ओके, नेक्स्ट वन, टैक्सेशन पॉलिसी। तो जब टैक्स रेट हाई चल रहा हो, तो हमें डिविडेंड जो है वो कम पे करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। तो अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, डिविडेंड अगर मार्केट में हम हाई रेट पे डिक्लेयर करें और लो रेट पे डिक्लेयर करें, तो जब हाई रेट पे डिक्लेयर होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, शेयर के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर हम ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, तो हमारे शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ जाता है। एंड देन डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट लो रेट, अगर हम कम रेट पे डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं कि हम कम डिविडेंड देने वाले हैं, तो क्या होता है, शेयर प्राइस पे उसका क्या इफेक्ट होता है, शेयर प्राइस हमारा घट जाता है। तो ये इफेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए, किसको, फाइनेंस मैनेजर को, बिफोर टेकिंग डिविडेंड डिसीजंस। नेक्स्ट इज लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, हमारे पास कुछ लॉज बने हुए हैं, ओके, कुछ प्रोविजंस हैं, वो क्या बोलते हैं कि डिविडेंड्स कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ शेयर कैपिटल। हमने जो शेयर कैपिटल, हमने शेयर्स इशू करके जो कैपिटल कलेक्ट किया है, उसमें से हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे, ठीक है। डिविडेंड को हम, हमें सिर्फ और सिर्फ किस में से पे करना है, प्रॉफिट्स में से, एंड प्रॉफिट्स में से जो कि हमने करेंट ईयर में कमाया हो या फिर पिछले साल कमाया हो। तो डिविडेंड हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में से ही दे सकते हैं, हम शेयर कैपिटल में से नहीं देते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वी कैन डिनाई द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हम मना कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हम इस साल डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी लोन लेती है, ठीक है, बैंक से लोन लेती है या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो क्या होता है कि वहाँ पे उनसे कभी कभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, कि आप डिविडेंड्स इससे ज़्यादा नहीं दोगे या इतना ही दोगे, इस तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसके उनके ऊपर जो है वो लगा देते हैं। तो कंपनी को
उसको फॉलो करना जरूरी है एंड दैट इज ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स. व्हेन अ कंपनी टेक्स लोन्स फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब भी कंपनी लोन लेती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो इट मे बी आस्क्ड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिविडेंड्स पेड बाय द कंपनी. तो क्या हो सकता है, वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है, रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स. तो उसको फॉलो करना जरूरी है, उसको हमें ध्यान में रखकर ही डिविडेंड डिसीजन लेना चाहिए. सो अब हम केस स्टडी देखेंगे. सीबीएसई 2015 की ये केस स्टडी है. तो केस स्टडी जब भी हमें मिले, सबसे पहले हमें मेन क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए. Let's see. The above discussions about the company leads to various factors which decide how much of the profits should be retained and how much has to be distributed by the company. तो ऊपर के पैराग्राफ में जो discussions हो रहे हैं उन वो किसके बारे में है? About the factors. वो factors जो कि ये decide करते हैं कि how much of the profits should be retained and how much has to be distributed by the company. अभी तो हम बिना पैराग्राफ पढ़े इस चीज का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डिविडेंड डिसीशन की. क्यों? क्योंकि कितना पार्ट प्रॉफिट्स का रखना है हमें एज रिटेन अर्निंग और कितना दे देना है शेयर होल्डर्स को, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है. ये डिसीशंस हम कहाँ लेते हैं, डिविडेंड डिसीशंस में. तो उसके फैक्टर्स बताए गए हैं किसमें, पैराग्राफ में. ओके, देन कोटिंग द फ्रॉम द अबव डिस्कशंस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी फोर सच फैक्टर्स. तो हमें आइडेंटिफाई करने हैं फैक्टर्स given in the paragraph about what, about dividend decision. तो अब हम paragraph को read करेंगे. Let's see. Sara Limited is a company manufacturing cotton yarn. It has been consistently earning good profits for many years. तो Sara Limited क्या है, एक company है cotton yarn manufacture करने की. अब देखो अब क्या बोल रहा है, इट हैज बीन कॉन्सिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट्स फॉर मेनी इयर्स. इसका मतलब सार दर सार प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, ये मिल गया हमें एक. दिस ईयर टू इट हैज बीन एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट्स. इस साल भी उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है. देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी. क्या है, सफिशियंट कैश मौजूद है कंपनी में. देन एंड गुड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर. फ्यूचर में ग्रोथ का अच्छा चांस है, अपॉर्चुनिटीज है इनके पास. देन इट इज वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव्स इन क्वालिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड गुड रेम्यूनरेशन प्रैक्टिसेस. It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investment. Shareholders इनके पास कैसे हैं, देखो, जिनको की एक regular income चाहिए. कितने हो गए हमारे पास, consistently earning good profits one, availability of enough cash two, good prospects for growth in future three, and shareholder who want regular income four. So here we are getting four factors. आगे का पैराग्राफ देखते हैं. इट हैज टेकन लोन्स ऑफ रुपीज 40 लाख फ्रॉम आईडीबीआई. क्या लिया, लोन लिया, ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एंड इज बाउंड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. और आईडीबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया इस कंपनी के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो ये क्या हो गया, ये हमारा फिफ्थ फैक्टर हो गया, है ना. देखते हैं एक बार पीछे. Consistently earning good profits for many years, है ना, हर साल profit हो रहा है. तो which point is this, stability of earnings. There is availability of enough cash in the company. Company में cash sufficient amount में है. कौन सा point हो गया, cash flow position.
गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर, फ्यूचर में ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं. तो क्या हो गया, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, दिस इज द थर्ड वन. इट हैज मेनी शेयर होल्डर्स हु प्रेफर टू रिसीव रेगुलर इनकम. ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए होता है. तो दिस इज फोर्थ फैक्टर्स. तो यहाँ पे तो चार हमें यहाँ पे मिल गए. एंड देन यहाँ पर फिफ्थ वाला, लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया किस पे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे. तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स. तो हमें मिल गए कितने फैक्टर्स, पांच फैक्टर्स, बट हमें लिखने कितने हैं, ओनली फोर फैक्टर्स. एंड दैट ऑल्सो बाय कोटिंग द लाइन्स. कोटिंग द लाइन्स का मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ से हम वो लाइन्स को या वो पार्ट को लिखे जिनसे कि हमको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट इस पैराग्राफ में प्रेजेंट है. ओके, एज इट इज हम उसको लिख देते हैं. लेट्स सी हाउ टू राइट द आंसर. द डिस्कशंस गिवन इन द पैराग्राफ इज अबाउट डिविडेंड डिसीजंस. हम एक बार उसको मेंशन कर देंगे भले ये पूछा नहीं है. देन फिर फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, क्या क्या हो गया, कोट किया हमने. इट हैज बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट्स फॉर मेनी ईयर्स. क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. गुड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ इन फ्यूचर, क्या हो गया, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट इज इट हैज मेनी शेयर होल्डर्स हु प्रेफर टू रिसीव अ रेगुलर इनकम. क्या हो गया, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स. देन इट हैज टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 40 लाख बाय फ्रॉम आईडीबीआई. तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स. हम इस तरह से कोट करेंगे, हेडिंग डालकर पॉइंट्स को लिखेंगे और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज an MCQ, which of the following decisions relates to disposal of profits. इन decisions में से वो कौन सा decision है जिसमें कि हम देखते हैं disposal of profits से related होता है. तो disposal of profits से क्या मतलब हो गया कि profits का करना क्या है हमें, ठीक है. Investment decision, फर्स्ट ऑप्शन नहीं. डिविडेंड डिसीजन, यस डिविडेंड डिसीजन में ही हम देखते हैं. बाकी के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं एक बार. कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, नो. फाइनेंसिंग डिसीजंस, नो. फाइनेंसिंग डिसीजन भी नहीं होगा. तो क्या है आंसर जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट का क्या करना है, सरप्लस प्रॉफिट का क्या करना है, वो होता है डिविडेंड डिसीजन. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, when the stock market is bearish, when the stock market is bearish, a company should, जब stock market bearish हो तो company को क्या करना चाहिए, issue more and more equity shares, क्या equity shares issue करने चाहिए, issue debentures, debentures issue करने चाहिए, wait for the market to turn bullish, या none of the above. wait for the market to turn bullish का मतलब है कि bearish से bullish होने तक का wait करना चाहिए company को, या none of the above, या इनमें से कोई भी सही नहीं है. तो what is the correct option, issue debentures. ठीक है, जब company bearish, market bearish state में हो, ज्यादा profits नहीं हो रहे हैं, तो people will not be interested to invest in equity shares. इसलिए ऐसे सिचुएशन में फेवरेबल क्या होता है कि कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू करे जिसको वो आसानी से बेच सके. सो आई होप इट इज क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.